खंडवा में एक बुजुर्ग पर अपनों ने दुखों का ऐसा पहाड़ गिराया कि वृद्ध महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महिला की इस हालत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी बेटी है, जिसकी वजह से इस बुजुर्ग महिला के ना तो रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। आंखों में आंसू लेकिन हाथ खाली, न सिर पर छत न अपनों का साथ। और इस हाल के लिए जिम्मेदार अगर कोई अपना ही हो तो न सिर्फ इंसान के हौसले टूटते हैं बल्कि खत्म होता है रिश्तों पर से भरोसा। लेकिन इन तमाम दुखों के बावजूद इस बुजुर्ग महिला की आंखों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इन्हें उम्मीद है कि जो जख्म इन्हें इनके बच्चों ने दिया उस जख्म पर मरहम प्रशासन लगाएगा, और इसी आस में ये वृद्ध महिला कानून से न्याय मांगने आई है। मकान मेरा है, तो लड़के ने कब्जा कर लिया, मैं जाने लगी तो चाकू लेके मेरे को भगाई है। जब से मैंने कार्रवाई करी तो कोई मंजूरी नहीं हुई, ये 13 महीने हो गए। इस बुजुर्ग महिला का नाम श्यामाबाई है, जो खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के बेड़ियाओं गुजर गांव की रहने वाली है। इनका आरोप है कि इनकी बेटी ने इनके घर पर पहले तो कब्जा कर लिया और फिर जिस बेटी को इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी बेटी ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर से विडंबना ऐसी कि इनके बेटे भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि इनकी बेटी ने ही बेटों को धमकी देकर मामले से दूर रहने के लिए कहा है और माँ का साथ देने पर फर्जी मामले लगाकर फंसाने की धमकी दी है। लड़का छे उनका धमकी दी रही कि माई के साथ में चलोगा तो तुमको जेल में करूंगा। वो कहाँ रहते, वो नहीं रखते? वो भी वांज रह नहीं कही गया कि तू को रखांगा माई तो हमको जेल में थारी छोरी को डालेगा। वही जब अपनों ने दर्दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ा तो बुजुर्ग ने जनप्रतिनिधि मुकेश तनवे से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मुकेश तनवे इन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आए और थाने ले जाकर मामला दर्ज करवाया। इनके मकान पे तो जो बताती है कि ये इनकी बिटिया है उसी ने कब्जा कर लिया है, तब से ये इधर उधर अपना गुजारा कर रही है। इस पूरे मामले पर कोतवाली थाना इंचार्ज बीएल अटोदे का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों की सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बुजुर्ग महिला को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। जी हाँ, बेड़िया गुजर ग्राम है, वहाँ की माता राम आई थी, जिनका नाम जो है श्यामा भाई है। वो अपनी बेटी के खिलाफ, उमा भाई है जिनका नाम, वो कुटीर आवास को लेकर जो है उनको रहने नहीं देती, और इसको लेके पहले भी हमने उनकी सुनवाई करी थी, कुछ उनकी मतभेद थे, सहमति बन नहीं पाई। पुनः जो है शिकायत आवेदन लेके उसकी जांच में करके दोनों पक्षों को फिर सुनेंगे और फिर उनमें उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बहरहाल बात विवाद होना अलग है, लेकिन इस तरह से बुजुर्ग को घर से निकाल कर सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ देना हर तरह से रिश्ते का गला घोंटने जैसा है। खैर, अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन से कब तक इन्हें न्याय मिलता है और कब तक इन्हें वापस इनके घर की चाबी मिलती है, ताकि सर्द रात में इन्हें खुले आसमान के नीचे रात न बितानी पड़े। खंडवा से स्वप्निल के साथ टीम न्यूज़ 8।